नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज जो आपकी सबसे ज्यादा मांग थी वो दिल्ली के बाहरी राज्य वालों की थी कि सर हम आवेदन कैसे करें और कौन कौन से दस्तावेज हमें तैयार करवाने हैं और एग्जाम की रणनीति क्या होगी, एग्जाम को कैसे पास करना होगा, हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुश्किल सवाल तो आपका ये था कि अन्य राज्य वाले कैसे करें भाई साहब आवेदन। तो अन्य राज्य वालों के लिए वैसे तो दिल्ली ने पहले ही बता दिया है, उस नोटिस में एक साफ शब्द लिखा हुआ है, मैं उस नोटिस पर ले चलता हूं आपको। उस नोटिस के पहले पेज पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार है भारत का नागरिक हो और दिल्ली का निवासी हो, यानी दिल्ली वालों के लिए यह भर्ती है। फिर भी अन्य राज्य वाले कर सकते हैं आवेदन, ये आपके लिए खुशखबरी बन सकती है, मगर बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही गौर से एक एक फैक्ट को समझने की कोशिश करना। चीजें जब समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो देखोगे, वीडियो को पूरा देखने के बाद निर्णय करना कि आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते। नहीं भर सकते तो भाई साहब नहीं भर सकते, और भर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संपर्क परिचर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मगर दोस्तों वीडियो इतनी फेथफुल होगी, इतनी अच्छी, इसके बाद अन्य किसी भी राज्य वालों को वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इससे पहले आपसे सभी से निवेदन, इतनी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूले। चलते दोस्तों जो प्रोसेस बनी हुई है उस पर। सबसे पहले यहां ये पात्रता है, जो फॉर्म भरने की जो पात्रता है भाई साहब ये आपको दिख रही होगी, सबको दिख रही होगी। देखो, भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का निवासी हो। कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का निवासी हो। निवासी का मतलब समझते हो, वहां वोट डालता हो, वहां उसके राशन कार्ड में उसका नाम हो या उसके खुद की वहां की जमीन हो, वहां उसकी कुछ प्रॉपर्टी हो, बैंक के या सरकारी नौकरी में भी हो, ये वेरी बेटर ऑप्शन है। तो देखो कैसे कैसे है, मान्य पासपोर्ट। एक तो अगर आपसे दिल्ली के एड्रेस पर कोई आपका पासपोर्ट है, दिल्ली के एड्रेस पर आपका कोई पासपोर्ट है तो भाई साहब इस फॉर्म को आप भर सकते हो, दिल्ली का पासपोर्ट है। वोटर आईडी में आपका नाम हो, वहां की वोटर आईडी में नाम हो, वो आदमी आपका फॉर्म भर सकता है। दिल्ली की वोटर आईडी में आपका नाम हो तो भर सकते हो। सब सही बात है गुरु जी, ये तो सभी बता रहे हैं तो सब बताएंगे। जुकलो वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर आपका फोटो हो, यानी वर्तमान जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड समझते हो ना, है तेल लून मिर्ची मिलते थे पहले, वो राशन कार्ड। तो अगर राशन कार्ड है, राशन कार्ड पर भी कौन सी क्या हो, फोटो, देख मेरी फोटो, तो वो फोटो देखेंगे आपकी राशन कार्ड पर। राशन कार्ड पर फोटो होनी चाहिए। यदि राशन कार्ड पर उम्मीदवार की तस्वीर के बिना का, अगर सोचो कि राशन कार्ड है और राशन कार्ड पर उम्मीदवार की फोटो ही नहीं है तो क्या होगा, तो उस आवेदक की तस्वीर वाली किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र के साथ समर्पित होना चाहिए। अब आपका यहां देखो, अगर आपके पास राशन कार्ड आपने बनवा लिया या आपके पास राशन कार्ड है और उस पर फोटो नहीं है तो आप इस जगह आधार कार्ड यूज कर सकते हो। आधार कार्ड क्या कर सकते हैं, फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी है या ऊपर है भाई, अन्य किसी पहचान प्रमाण पत्र को समर्पित करना हो उसी का, ये फोटो युक्त। फोटो तो एक तो आधार कार्ड हो गया, ठीक है, जैसे और कोई कार्ड चलता है, कोई नरेगा का कार्ड हो गया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के जो कार्ड बनते हैं जिनमें फोटो हो, भामाशाह कार्ड हो, यानी फोटो युक्त जो सरकार की तरफ से मान्य किया जाता है तो उनको आप प्रयोग में ले सकते हो। ये इस डॉक्यूमेंट के साथ, किसको, राशन कार्ड में फोटो नहीं हो तो उसके साथ संलग्न फोटो कर सकते हो, ऐसा भी है। कंप्लीट है। एक परिवहन विभाग DNCT दिल्ली द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो भाई साहब दिल्ली का कोई ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली के स्कूल से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है दिल्ली में तो लाइसेंस है, तो भाई साहब ये सारे ऊपर वाले तो आपको कॉमन है, आपस में एक दूसरे में जुड़ जाते हैं कि किसी के लिए किसके हो सकता है कि, तो वो बनता ही इसीलिए है कि आप दिल्ली के निवासी हो, इसी के एवज में बनता है, ठीक है। दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक खाता का विविध सत्यापित पासबुक हो, यानी बैंक की पासबुक हो। क्या हो भाई साहब, बैंक की पासबुक, बैंक के
पास बुक है। अब बैंक पास बुक हो और बुक में क्या हो, फोटो हो, बुक में क्या हो, पासबुक में फोटो हो और उसमें क्या है, दिल्ली का, दिल्ली का स्थाई पता हो, स्थाई पता हो, स्थाई पता हो दिल्ली वाला, तो आप उसको कहते सत्यापित पासबुक दिल्ली आवास के पते के साथ, यानी जहां आपका स्थाई पता हो, रहने का स्थान, रहने का स्थान ये हो, तो भी आपका जुगाड़ बैठ सकता है भाई साहब, तो आप भर सकते हो चाहे आप किसी भी राज्य के हो। अब देखो राजस्व विभाग GNCTD के समक्ष अधिकृत सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो, यह क्या चीज है। बस अब दिल्ली में आपने प्लॉट कर लिया मगर उसकी रजिस्ट्री नहीं है, मगर उसके कागजात है आपके पास, पट्टा है, ये मान लो पिताजी के नाम प्रॉपर्टी है। दिल्ली में अगर आपकी कोई संपत्ति है, दिल्ली में आपकी खुद के या आपके पिता की संपत्ति है, खुद की या पिता की संपत्ति है, तो भी आप ऐसा वहां पर फॉर्म भर सकते हो, उस राजस्व विभाग की रिसिप्ट प्राप्त करके वहां अपने समक्ष अधिकारी के द्वारा उसे प्रमाणित करवाना होगा, ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। ये तो इसे क्या है जो बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके साथ साथ क्या बताया है, उम्मीदवार के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के निवासी के प्रमाण पत्र है, शिक्षा का हो, आयु का हो, आरक्षण का हो, बोनस अंक किसने प्राप्त किया हो, तो ये दस्तावेज भी चाहिए, अगर है तो वो अलग बात है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये बैंक वाला, दोनों लास्ट वाले, बैंक वाला अगर आपका बैंक में खाता है पहले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक में खाता है पहले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं है और रूम रेंट, रूम रेंट एग्रीमेंट, रूम रेंट का एग्रीमेंट आपके पास विथ ए नोटोरी, नोटोरी है, यह है, यह नोटोरी के द्वारा आपके पास रूम रेंट एग्रीमेंट है, यह रूम रेंट एग्रीमेंट 22 जनवरी से पहले का होना चाहिए, 24 जनवरी से फॉर्म भरना चालू है तो 24 जनवरी से पहले का, से पहले का, यानी यह फॉर्म की डेट आई है इससे पहले का होना चाहिए। देखो अधिकतर में क्या होता है, लास्ट डेट तक मान्य करता है, लास्ट डेट तक मान्य करता है, मगर इसमें नोटिफिकेशन में दिया है कि जो प्रथम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए, उससे पहले का, ये पहले का मांगा है वैसा भी इन्होंने, तो कैसा कैसा मांगा है, पहले का मांगा है, अगर पहले का मांगा है तो आपको रूम रेंट बनवाना है, रूम एग्रीमेंट बनवाना है, रूम एग्रीमेंट बनवा लोगे, रूम एग्रीमेंट जैसे ही आपका बनेगा, ये रूम एग्रीमेंट जैसे ही आपका बनेगा, रूम एग्रीमेंट के बिहेव पर आप बैंक में खाता खोल सकते हैं, बैंक में खाता खुल जाएगा रूम एग्रीमेंट के तहत, रूम एग्रीमेंट के तहत, यानी रूम रेंट के आधार पर, उसका पता होता है रूम रेंट का पता होता है, उस पते के आधार पर आपका क्या हो सकता है, बैंक में खाता, बैंक खाता हो जाएगा, फिर आप वहां के इस फॉर्म में भर सकते हो, यानी बैंक में खाता हो गया तो देखो आपको ये तो दे ही रखा है यहां से साफ शब्दों में, ये रहा कि क्या है, दिल्ली आवासीय पते के साथ फोटो युक्त है, यानी अटेस्टेड नोटरी के द्वारा करवा लेना फोटो से, और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक खाते की विविध सत्यापित पासबुक बनवा ले, ये पासबुक बनवा ले तो आपका काम चल सकता है। वैसा अगर किसी के पास पुराना रहे, रूम रेंट है, बैंक भी खाता है अन्य राज्य का है, यानी दिल्ली में बैंक में खाता है किसी अन्य राज्य का है, तो वो आराम से फॉर्म भर सकता है रूम रेंट के माध्यम से, जिन्होंने खाते खुलवाए वो हो सकता है। अब जिनके पिताजी, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, जिनके
पिताजी दिल्ली पुलिस में है या दिल्ली डीएसएसपी में नौकरी कर रहे हैं, तो दिल्ली के बैंक में उनके पास खाता होगा, दिल्ली के बैंक में उनके द्वारा खाता होगा, तो वो इस बैंक पते के आधार पर अपना स्वयं का खाता खुलवा सकते हैं, उनका स्वयं का खाता खुल सकता है और उसको बैंक के आधार पर आप कर सकते हैं। यानी पिता का खाता है तो पुत्र का खाता वहां खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ये भी कंप्लीट हो गया भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात? यानी रूम रेंट के आधार पर, सीधे शब्दों में यही है, रूम रेंट के आधार पर आप बैंक में खाता खुलवाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिर देखो आगे क्या है, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, ये मुझसे पर्सनली ना ले आप। अब जो है आप कहोगे गुरुजी आपने बता दिया हमारा मान्य है, या आप अगर ट्राई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि माना जाएगा नहीं माना जाएगा, उन्होंने बैंक खाता दिया है, अब बैंक खाता के हिसाब से तो मैंने बता दिया आपको, तो आप इसको अरुणाचल ना ले। और दिल्ली वाले हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे भाई साहब, कंप्लीट है। ये तो हो गई बात आपकी, इसकी इसके कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट ही चाहिए भाई साहब, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी यही हो गए, डॉक्यूमेंट्स आपके यही हो गए। क्या हो गया भाई साहब डॉक्यूमेंट्स में, एक आपको फोटो युक्त पहचान पत्र। अब पहचान पत्र में कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट, पासपोर्ट ले लो, इसके आधार पर आप क्या लोगे, वोटर आईडी, वोटर आईडी ले सकते हो अब ये पहचान पत्र के रूप में, आधार कार्ड ले सकते हो, ये ठीक है, एक तो इनमें से आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास क्या है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये फाइनल में जमा होंगे भाई साहब, ये फाइनल टाइम में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, इसके आधार पर दसवीं की अंक तालिका, दसवीं की अंक तालिका भी होनी चाहिए, बारहवीं की अंक तालिका, अगर आपको कोई बोनस मिल रहा है, बोनस अंक के प्रमाण पत्र हो तो वे, यानी किसमें आपसे छूट संबंधी प्रमाण पत्र हो, छूट संबंधित कोई प्रमाण पत्र हो तो वो भी होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा भाई साहब आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो वो भी चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र दो बनवाने हैं इस कुल का, और एक कोई भी अधिकारी से, रजिस्टर्ड अधिकारी से, अधिकारी का है, पुलिस वेरिफिकेशन वाला नहीं चाहिए। इसके अलावा भाई साहब आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए चाहिए तो आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, पिताजी का लगता है ये दस्तावेज, मुख्य दस्तावेज ये आपको मुख्य दस्तावेज ये है, ये मुख्य दस्तावेज जो आप कहते हैं ये आपके पास सारे के सारे आपके पास है, अच्छे तरीके से सारे के सारे दस्तावेज होने चाहिए। अब भाई साहब आपका अगला सवाल था कि सर सिलेक्शन के लिए क्या करें कि हम एग्जाम को पास कर ले, ये बात आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई साहब, ये बात आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने देखा होगा ये आपको एक
थंबनेल दिख रही है बहुत अच्छे से, दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 10,285 पद, वर्दी बैच। कैसा बैच है? वर्दी बैच है भाई साहब। अगर खाकी का सपना है और सपने को पूरा करना है तो खाकी वर्दी लेनी ही पड़ेगी और ये बैच आपको लेना ही पड़ेगा। बैच बहुत शानदार है। इस बैच में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, टॉप मोस्ट फैकल्टी और कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता, एग्जाम तक ये कोर्स आपको मिलने वाला है। कोर्स की कीमत मात्र 399 रुपए है और ये 399 भाई साहब 13 फरवरी तक है। 13 फरवरी तक ये ऊपर में है तो कोई बात नहीं, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें और बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करके इस 399 रुपए के कोर्स को भाई साहब 100% खरीद ले। विश्वास की बात है, अगर पूरे इंडिया में कोई मानक चीज आपको मिलने वाली है और नौकरी वाली चीज मिलने वाली है तो इस बाई स्टडी ऐप के माध्यम से मिलने वाली है आपको। हमने इस बैच की बहुत सारी विशेषताएं तैयार करी है। देखो लाइव क्लास रहेगी आपकी, लाइव क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नंबर देंगे, उस नंबर पर कॉलिंग करके आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को समझ सकते हो। जीरो लेवल से शून्य से स्टिकर तक की पढ़ाई होगी, जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे होमगार्ड को मद्देनजर रखते हुए, होमगार्ड की चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आपका सिलेबस आपको पता है। जीके आपका इसमें 20 नंबर का आने वाला है, जो दिल्ली के संदर्भ में भी होगा, करंट जीके भी होगा और भारत के संदर्भ में भी होगा। जीएस जो बहुत ही बेहतरीन जीएस तैयार करवाई है, आप कहोगे गुरुजी जलवे कर दिए भाई साहब, आप कहोगे गुरुजी जलवे कर दिए, जीएस मैथ 20 और रीजनिंग को तो तुम भूल जाओ, रीजनिंग को तो तुम भूल जाओ, क्योंकि रीजनिंग में तो पूरे में से पूरे कोई दुनिया की ताकत आपका काट ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, सीधी सी बात है। टोटल पेपर 80 नंबर का होगा आपका और अंक भी कितने होंगे भाई साहब? 80 होंगे। इन सब के बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपको एक बहुत ही अच्छा कोर्स उपलब्ध करवाया गया है, जिसकी कीमत हमने नाम मात्र 399 रुपए रखी है भाई साहब। बारी बारी से कह रहा हूं, अगर सपना है वर्दी का और दिल्ली में नौकरी करने का है तो डेफिनेटली 100% इस कोर्स को आप खरीद लीजिए। आपके जीवन में यह कोर्स एक मील का पत्थर साबित होगा, आपका विश्वास आपको 100% सफलता तक लेकर जाएगा, यह मेरी गारंटी है, क्योंकि हमने ऑफलाइन भी बैच चला रखा है। ऑफलाइन बैच के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 9887646020, ये हमारे नंबर है, इन नंबरों पर आप मैसेज कर दीजिए ऑफलाइन बैच, ऑफ बैच मैसेज लिख देना, हम आपसे हमारी टीम आपको एड्रेस पता सब सेंड कर देगी, आपसे मुलाकात कर लेगी, आपको संतुष्ट करेगी। बहुत ही बेहतरीन 2 महीने का, 2 माह का ये बैच होगा, ये बैच इतना शानदार होगा कि आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है दोस्तों। तो एक जीवन परिवर्तन करने वाले बैच को ज्वाइन करने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने भविष्य को एक अच्छे हाथों में, एक जो होनहार टीचर है उनके हाथों में दीजिए, क्योंकि वो स्वयं सफल है, वो स्वयं सफल है और अपनी सफलता के साथ आपको जोड़ना वो चाहेंगे। तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, बैच को जरूर खरीद ले, ये बाई स्टडी ये और ये दो नुमाइंदे आपको बेहतरीन तरीके से मैथ रीजनिंग करवाएंगे, इनमें तो आप गर्दे काट देंगे और जीके की भी इससे बेहतरीन टीम आपको मिलने वाली है। यानी मैं आपसे विश्वास, एक बार विश्वास करके देखना कि यार जो विश्वास किया उस पर करा उतरा, आज दावे नहीं है, 100% सिलेक्शन का दावा है कि आप हमारे मार्गदर्शन में तैयारी करोगे तो 100% आप नौकरी लगोगे, में 1% भी डाउट नहीं है कि कोई बच्चा रह जाएगा। और संतुष्ट नहीं हो तो मुझे कॉल करके सीधे बोल जाना, नंबर दे दिए कि गुरुजी ये क्या होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो दावे किए हैं वो पूर्ण किया। तो सभी से गुजारिश है बैच को जरूर ले, बेहतरीन बैच होगा आपका, कोई मोटी रकम नहीं है, 399 रुपए का बैच है, बैच पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा,
जिंदगी में ऐसे सोचोगे कि यार वास्तव में बेच दिया है तो मास्टर ने शानदार ही बेच दिया है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दे। देखो सिलेबस की ये भी है, यहां भी थोड़ा सा ये सिलेबस का ये देखो यहां दे रखा है सिविल प्रज्ञा। अच्छा अच्छा, लेकिन 80% होंगे, 1% एक नंबर का होगा, टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। ठीक है, 10वीं के स्तर का आपका पेपर होगा जिसमें अंगणितों की, सामान्य विज्ञान होगी, बुद्धि और रीजनिंग होगी, दिल्ली का इतिहास, दिल्ली की संस्कृति, स्थलाकृति, भारत का संविधान, प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल एवं सामान्य ज्ञान और करंट जीके। ये बहुत अच्छा पैटर्न यहां पर होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये एग्जाम होगा आपका। इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।